4 आपको लिखना है, इसी पैटर्न में लिखना है, आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखना है, ठीक है? जो लिखा है वैसे ही लिखो। सर हमें कैसे याद रहेगा यहाँ पे टी आई का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है? बाय हार्ट होगा, बाय हार्ट, ठीक है? पता का छोड़ दो, ठीक है? कितनी बार मैं बोलूंगा, कितनी बार आपसे बुलाऊंगा, भगवान जाने। हाँ ये होना ही है ना, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? नेक्स्ट आई एम कंटिन्यूइंग माय सेक्शंस, ठीक है? कुछ ज्यादा सेक्शंस पढ़ के जाओगे थोड़े तो, क्योंकि चार ही है याद, तो ये तो याद हो गए रहेंगे। सेक्शन वन क्या है, पहले तुम कौन से एक्ट में है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है? सेक्शन वन क्या था, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंट, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन टू डेफिनेशन, सेक्शन थ्री प्रीवियस ईयर, सेक्शन फोर चार्जिंग सेक्शन। एंड व्हाट चार्जिंग सेक्शन सेज, टोटल इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शाल बी असेस्ड इन असेसमेंट ईयर एट द टैक्स रेट प्रिवेलिंग इन एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर नॉर्मल इनकम एंड फॉर अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर स्पेशल इनकम। स्पेशल नॉर्मल रेट फॉर नॉर्मल इनकम, स्पेशल रेट फॉर स्पेशल इनकम। चलो एक 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 बातें डिस्कस करना चालू कर देते हैं। सो आई एम ओपनिंग माई चार्जिंग सेक्शन फॉर डिटेलिंग नाउ, ठीक है? तो अभी ऑर्डिनरी आपने पढ़ लिया, अब डिटेल राउंड। सो व्हाट डू मीन बाय टोटल इनकम, ठीक है? अब टोटल इनकम को उन्होंने बोला कि आपको अगर टोटल इनकम समझना है तो यू हैव टू गो टू सेक्शन 5 जिसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय टोटल इनकम, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम वी हैव इन इनकम टैक्स, एक है इंडियन इनकम, दूसरा गेस कर सकते हो, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। एक होता है इंडियन इनकम, दूसरा होता है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मतलब क्या होता है सर? तो उसके चार मतलब दिए उन्होंने, इनकम इनकम अक्रूज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। पता नहीं आज ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। फॉरेन इनकम दो टाइप के होते हैं, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, एनी अदर। तो एक होता है बिजनेस फॉरेन है, लेकिन बिजनेस यहां पे कंट्रोल हुआ है। अब इसका करना क्या है, ठीक है? तो उसका क्या करना हो तो बाद में देख लेते हैं, क्यों ऐसा बाइफर्केशन किया है। पहले तो एक एक वर्ड समझने का ट्राई करते हैं। ये दो वर्ड तो समझ में आते हैं। अच्छा इनकम तो समझ, टोटल इनकम तो समझ में आया, टोटल मतलब टोटल। अब टोटल में दो टाइप के होंगे, या तो इंडियन, और जो इंडियन नहीं है वो फॉरेन। तो फॉरेन का डेफिनेशन कैसे दिया होगा, इनकम विच इज नॉट फॉरेन इनकम, इनकम विच इज नॉट इंडियन इनकम। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पहले, वॉट इज इंडियन इनकम। इंडियन इनकम मीन्स वॉट, इनकम अक्रूज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। ऐसा बोलना तो सीख गए, अब समझना भी चालू कर देते हैं। अक्रूज इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इन दो वर्ड्स को पहले समझा देता हूँ। उसमें का भी पहला अक्रूज इन इंडिया समझा देता हूँ, ठीक है? वॉट डी मीन बाई इनकम अक्रूज इन इंडिया, ठीक है? अक्रू मतलब इंडिया में उसका सोर्स लोकेटेड है, इंडिया में वो इनकम बन रहा है, ठीक है? अर्न यहां पे हो रहे हो आप यहां पे सर्विस कर रहे हो, जैसे मेरा भी इनकम अर्न हो रहा है, अक्रू हो रहा है। कहां पे हूं मैं, ये कहां पे हूं मैं सर? जोगेश्वरी मत बोलो, इंडिया में हूं, ठीक है? दो ही टेरिटरी हमारे लिए, इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। वेयर एम आई नाउ, इन इंडिया। दैट मीन दिस इनकम इज गेटिंग अक्रू इन इन इंडिया। क्या इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर? Obviously, because this is Indian income. So why is it Indian income? Because it is accruing in India. कल मैं चला गया USA, दिलीप सर ने मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, इस इनकम का जो आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका पगार मुझे दिलीप सर ने कब दिया? जब मैं कहाँ पे हूँ? USA में। तो मैंने received कहाँ पे किया? USA में। क्या इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ, रिसीव कहाँ पे किया वो बात की बात है सर, अक्रू कहाँ पे हुआ था? और क्योंकि इंडिया में हुआ था, आप तो कहीं पे भी चले जाओ फिर टैक्स तो इंडिया में भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्रू यहां पे हुआ था। ये समझाने के लिए ना मैं ट्री का एग्जांपल लूंगा, ठीक है? अगर आपने ट्री और उसके फ्रूट का रिलेशनशिप समझ में लिया
तो आपको ये इनकम और उसके सोर्स का रिलेशन समझ में आ जाएगा. एंड दीज आर दी वर्डिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हाँ ठीक है, वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज सेड टू एक्सप्लेन दिस सोर्स का रिलेशनशिप. ठीक है, वॉट इज एग्जैक्टली अक्रू मीन्स. ठीक है, अक्रू क्या होता है, ठीक है, और इनकम क्या होता है. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस ही सेड दैट इफ अ लैंड इज अ सोर्स, इफ अ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप्स इज अ इनकम. ठीक है, क्रॉप जो आता है उसके ऊपर वो क्या है, इनकम. इफ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम. इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज अ इनकम. ठीक है, रिलेशनशिप देखो कैसे. इफ अ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम. इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज अ इनकम. इफ दैट ट्री लोकेट्स इन इंडिया देन फ्रूट्स इंडियन है कि फॉरेन है, इंडियन है, क्योंकि ट्री कहां पे है, इंडिया में. अब मैं वो ट्री हूं, ठीक है, जिस ट्री की वो बात करें, मैं वो ट्री हूं, ठीक है, एंड दीज आर माय ब्रांचेस. और ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, या इंडिया नेपाल बॉर्डर है, या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, कोई भी दो कंट्रीज है, और मैं नसीब इतना अच्छा है कि मैं इंडिया में हूं. तो मेरा जो रूट है, मेरा जो सोल है, वो कहां पे है, इंडिया में. ठीक है, ब्रांचेस तो कहीं पे भी जा सकती है. ठीक है, तो यहां पे भी कुछ ब्रांचेस है और यहां पे भी कुछ ब्रांचेस, और ये बॉर्डर है. ठीक है, यहां पे सारी जगह पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, मैंगोज है सब जगह पे. ठीक है, तो यहां इस ब्रांच पे जो मैंगो है वो इंडियन है कि फॉरेन है, और जो इस ब्रांच पे जो मैंगो है वो इंडियन है कि फॉरेन है, इंडियन है. क्यों, सोर्स तो कहां पे है, बस यही समझा रहा हूं मैं सर. आम वहां लगे लेकिन सोर्स कहां पे है, इंडिया में. ठीक है, ये आम यहां लगा, यहां गिरा. अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया. अच्छी बात है सर, समझ रहे आपको. अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया. इंडियन या फॉरेन मैंगो, क्या बोलूं उसको, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल भरना पड़ेगा. ये आम यहां लगा है, इंडियन मैंगो, रिसीव्ड इन फॉरेन, गिरा उनकी जमीन पर. किसका आम है, हो इंडिया का, आपके जमीन पे गिरा. इसका ये मतलब नहीं कि आपका हो गया. हाँ लेकिन उसको बोलेंगे क्या, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. लेकिन टैक्स तो कहां भरना पड़ेगा, क्योंकि वो है इंडियन इनकम. इंडियन क्यों, क्योंकि उसका सोर्स कहां है, इंडिया में है. ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है. अब मतलब हम कर क्या रहे, जो आम यहां गिर रहे उसके ऊपर भी टैक्स ले रहे, जो आम यहां गिर रहे उसके ऊपर भी टैक्स ले रहे. अब मैं इस साइड चला जाता हूं. अब मैं कहां का ट्री हूं, पाकिस्तान या फॉरेन कंट्री, कोई भी. पाकिस्तान से अपना कोई खास दुश्मनी है नहीं, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री हो सकती है, फॉरेन में हूं. ठीक है, और उसकी ये ब्रांचेस है, तो इन आम को क्या बोलो, अक्रूड इन इंडिया, अक्रू आउटसाइड इंडिया. तो ये फॉरेन है कि इंडियन है, फॉरेन है, क्योंकि इसका सोर्स कहां पे है, फॉरेन में. ये फॉरेन में है और यहां गिरा, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. टैक्स लगेगा इंडिया में, नहीं लगेगा, हमारा नहीं, वो आपका है. ये ब्रांच यहां पे लगी हुई है, ठीक है, यहां पे आम गिरा, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया. टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, इंडियन आम है वो. सर नहीं, हो तो फॉरेन था, नहीं नहीं, वो इंडियन बन गया, क्योंकि दो क्लॉज है यहां पे. आप अभी तक अक्रू में अटके पड़े हो, मैं से किन पे आ गया, रिसीव्ड पे. यहां रिसीव हुआ ना, यहां रिसीव हुआ, अक्रू कहीं और हुआ था, लेकिन रिसीव्ड कहां हुआ. जब तू फॉरेनर है, फॉरेन में कमाया हुआ है, तो पैसे भी फॉरेन में लेना. पैसे तूने इंडिया में ले लिए, तेरी गलती है, टैक्स भरना पड़ेगा. रिसीव्ड इन इंडिया कर दिया तूने, लेकिन हम भी ईमानदार है, तो वो आम को हाथ लगा, बंदूक लगा के खड़े रहेंगे हम यहाँ पे. हाथ लगा तेरा है, उठा पाएगा क्या कोई, नहीं, हम 30% ले लेते, बाकी तू लेके जा. ठीक है, वो ऐसे इतने अच्छे हम लोग है, लेकिन हम इतने ईमानदार भी है. यहां का आम है, यहां पे आया, बाउंस हुआ, और बाउंस होके यहां पे आया, क्या हुआ पता है, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देन रेमिटेड टू इंडिया, बाउंस होके यहां पे आया. हम बिल्कुल ईमानदार हम उठा के खुद देते, ले ले, नहीं मारेंगे गोली, लेना. क्योंकि वो इंडिया का नहीं है, वो क्या है, फॉरेन है. एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम गए कल यूएसए में काम कर रहे हो, कहां पे काम कर रहे हो, यूएसए में. इनकम कहां पे अक्रू हो रही है, रिसीव भी वहां पे कर ली. इंडिया में टैक्स भरोगे, नहीं भरोगे. पेरेंट्स यहां पे रहते हैं, उनके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिया आपने, क्या पेरेंट टैक्स भरेंगे यहां पे, रिसीव्ड इन इंडिया. अरे पागल, रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, वो रेमिटेड टू इंडिया है, ट्रांसफर मारा है, कमाया नहीं उन्होंने, ट्रांसफर मारा है मैंने, समझ रहा है. लेकिन तो दिवाली की छुट्टी पे इंडिया में आया, इंडिया में खर्चा भी होता है, आता है तो, फॉरेन से आते तो बहुत ज्यादा खर्चे करते हो तुम लोग. ठीक है, तो तुमने अपने बॉस को फोन किया, बोला मेरा जो यूएसए का अकाउंट है वो क्रेडिट ना करो, डॉलर में नहीं, मुझे गांधी जी चाहिए यहां पे, आप मेरा इंडियन बैंक अकाउंट क्रेडिट करो.
तूने जॉब कहाँ किया था? यूएसए में. पैसे कहाँ पे क्रेडिट कर दिए तूने? इंडिया में. डायरेक्टली आया ना इंडिया में, वो प्रॉब्लम हो गई. अब इंडियन, वही इंडियन इनकम है. फिर तूने डायरेक्ट यहाँ रिसीव किया ना, भले बाहर का माया था, डायरेक्ट यहाँ रिसीव किया, इंडिया में टैक्स लगेगा. इतना क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर है? थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैंने क्या बताया आपको? मैंने पढ़ा नहीं रहा आपको. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन ऐसा ना दो तीन बार जब तक नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो कैसे दो तीन बार जब तक नहीं बताऊंगा कि बच्चा ये चांद है, बच्चा ये चांद है, बच्चा ये चांद है, ये जाएगा अभी और कल सुबह सन आएगा. तो मून क्या होता है और सन क्या होता है वो समझा रहा हूं आप लोगों को. इतनी बेसिक बातें समझा रहा हूं, ठीक है? तुम भी कभी तो बचपन में जैसे पापा को पूछा होगा ना, पापा ये क्या है? पापा ने बोला होगा बच्चा मून है, ठीक है? तो दूसरे दिन उठ के जाके ढूंढ रहे हो मून किधर गया, पापा मून किधर गया, अब कुछ और आ गया है, ठीक है? पापा तो सन है. तो क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कान के नीचे खींची होगी? समझ में नहीं आता तुझे, मून था ये सन है, दिन में सन आता है, रात में मून आता है, ठीक है? अब बचपन में कभी तो ये कभी नहीं पता होगा ना यार, ये सन होता है, ये मून होता है. बस तुम लोग उतने अनपढ़ हो इनकम टैक्स में कि तुम लोग मुझे ये भी पूछ लोगे प्रीवियस ईयर क्या होता है सर. मेरे लिए प्रीवियस ईयर सन और मून के जैसा है, डे एंड नाइट के जैसा. इतनी ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हम हर रोज इसमें जीते हैं. लेकिन तुम तो लाइफ में पहली बार सुन रहे हो ना यार, तुम्हारी गलती नहीं है, तू इस दुनिया के लिए नया है. हम रेगुलर हो चुके हैं, चिज्जू भी रेगुलर हो चुका है उसे भी पता है, ठीक है? तो तुम पूछोगे इनकम अकुर इन इंडिया क्या होता है, मैं बोलूंगा कि इतना नहीं समझ में आता, पागल हो गया क्या? नहीं बोल सकता मैं, आप समझ रहे हो. पहले डायरेक्टली पढ़ा देता था जब मैं छोटा था ना, पढ़ाना चालू जब किया था ना, अरे अकुर नहीं नहीं समझता क्या? फिर मुझे रियल तो नहीं समझता ये भी पढ़ा साला, ये भी पढ़ाना पड़ता है. हाँ, रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन रेमिटेड को रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बोलते. ये डीम क्या होता है वो समझाने के लिए बोलता हूँ, पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, समझने का ट्राई करो. व्हाट इज इज, व्हाट इजंट इज इजंट इज, व्हाट इजंट इज इफ लॉस इज. वंस मोर, व्हाट इज इज, व्हाट इजंट इज इजंट इज, व्हाट इजंट इज इफ लॉस इज. नहीं समझ में आया, समझो साउथ में क्या हालत होती रहेगी मेरी. अब हिंदी में बोलता हूँ, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो नहीं है वो भी है इफ लॉस इज. फिर से बोलता हूँ, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो नहीं है वो भी है इफ लॉस इज. क्लियर है? ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर है, ये डस्टर नहीं है, ये डस्टर नहीं है, ये डस्टर नहीं है. मैं इसको कल से डस्टर बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं लॉ मेकर हूं, तो ये डस्टर है क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है. मैं कल तुमको पूछूंगा व्हाट इज इट, सारे बच्चे बोलने चाहिए एक आवाज में, डस्टर है सर. जो नया आ रहेगा होता है पागल हो गए सबके सब अंधे हो गए हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है पता है? इसको डस्टर हम क्यों बोल रहे हैं? डस्टर है नहीं, मुझे भी समझता है डस्टर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे डीम्ड टू बी डस्टर. डीम मतलब मानो है नहीं, मुझे भी पता नहीं है, तुम्हें भी पता नहीं है, मानो ये क्या है. क्यों सर? क्योंकि मैंने डस्टर के लिए कुछ लॉ बनाए हुए हैं, मार्कर के लिए कोई लॉ नहीं था मेरे पास. मैं चाहता हूं कि जो डस्टर का लॉ है वो मार्कर को भी एप्लीकेबल हो, लेकिन फिर वो सारे प्रोविजन नए बनाने को नया चैप्टर बनाया, तो मैंने मार्कर को क्या बना दिया? डीम्ड डस्टर. अब लॉ के एंगल से अगर हम नॉर्मल एंगल से देखोगे, बोले पागल है, मार्कर है, डस्टर नहीं है रे, लेकिन तू लॉ का एंगल लगा, लीगल एंगल लगा, तुझे डस्टर दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने लॉ में मानने बोला है. है नहीं, मुझे भी पता है नहीं, मानो ये क्या है. क्या तुमको दिख रहा है डस्टर? अरे हाँ, लॉ के एंगल से देखो सालो, हाँ, तो ये क्या है? एक्चुअल डीम्ड टू बी. तो एक्चुअल में अक्रू होगा यहाँ पे, एक्चुअल में पेड़ होगा यहाँ पे नहीं, मानो कि पेड़ यहाँ पे ही है. ये इनकम एक्चुअल इनकम नहीं होगी, ये इनकम झाड़ यहाँ होगा, पेड़ यहाँ होगा. कहाँ पे है? फॉरेन में. डिगिंग करना चालू किया, खोदना चालू किया, खोदना चालू किया, पता चला सारे रूट जो है ना इंडिया में आए हुए. नीचे से रूट कहाँ से गए? पेड़ पूरा का पूरा कहाँ पे आया हुआ है? फॉरेन में. तो पहले दो क्लॉजेस में तो टैक्स नहीं होगा क्योंकि अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, टैक्स तो नहीं हो रहा है.
लेकिन हमने जब रियलिटी देखी, ढूंढा उसको, तो पता चला रूट तो साले इंडिया के हैं, एम्प्लॉय इंडिया के हैं, ऑफिसर्स इंडिया के हैं, डिसीजन इंडिया में लेते हैं, खाली विदेशी कंपनी बना के रखी है क्योंकि इंडिया में टैक्स ना लगे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इन शॉर्ट दुबई में कंपनी इसलिए बनाई गई है क्योंकि दुबई में टैक्स रेट कम है, दुबई में इंडिया का टैक्स रेट नहीं लगता, दुबई बेनिफिट देता है ना, फॉरेन जो कंट्री बेनिफिट दे रही है उस कंट्री में मैंने कंपनी इसलिए इनकॉर्पोरेट की है क्योंकि वहां पे टैक्स कम है। बिजनेस तो पूरा यहां से करता हूं जोगेश्वरी में बैठ के, क्लियर है? तो रूट कहां है बिजनेस का? हम मानेंगे पूरा का पूरा पेड़ यहां है, है नहीं, मानो कि है, और माना और होना लॉ में दोनों को डिफरेंस नहीं किया गया है, जो है वो तो है ही इंडियन इनकम, और जो बाहर है उसको मानो कि इंडिया में है इंडियन इनकम, और द मोमेंट इट बिकम्स इंडियन इनकम यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। कौन कौन भरेगा टैक्स? तो यहां पे तीन टाइप के लोग टैक्स भरेंगे, ओआर, एनओआर और एनआर। सर ये ओआर कौन होता है, एनओआर कौन होता है, एनआर कौन होता है, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, क्या होता है आज नहीं समझा पाऊंगा मैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इसमें से तुम कौन हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बचपन से जब से पैदा हुए इंडिया में हो, बाहर गए नहीं। रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहता है, हम कहां रहते हैं? कब से? जब से पैदा हुए तब से। नॉन ऑर्डिनरी मतलब विजय माल्या अंकल, सचिन तेंदुलकर या जो क्रिकेटर्स या जो हमारे स्टार रहते हैं, कभी कभी इंडिया में रहते हैं, कभी कभी बाहर रहते हैं ना, मतलब अभी सीरीज चालू है कोई साउथ अफ्रीका सीरीज चालू है तो साउथ अफ्रीका में रहेंगे, तो कुछ दिन इंडिया में रहते हैं, कुछ इंडिया के बाहर रहते हैं, तो रहते हैं इंडिया में, है रेसिडेंट इंडिया के। तो सचिन तेंदुलकर इंडिया का है कि नहीं है? हाँ इंडिया का है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो इंडिया में रहे, बाहर भी जाते रहते हैं, तो दे आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली। सर हम कैसे रेसिडेंट है? ऑर्डिनरीली, इधर ही पड़े रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? रहते हैं कभी कभी, नॉन ऑर्डिनरी। नॉन रेसिडेंट मतलब जो नहीं रहते, सो कभी नहीं रहते क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं कभी नहीं, लेकिन ओवरऑल नहीं रहते, इंडिया उनकी कंट्री नहीं है, या तो ओवरऑल यहाँ पे हो स्टे नहीं करते, ठीक है, कहीं और स्टे करते हैं, कभी तो आते रहेंगे इंडिया में, झाड़ लगा के तो यहाँ इंडिया में गए। अब बताओ कौन इंडिया में टैक्स पक्का भरना चाहिए? तो 100% तुम्हारे हिसाब से ओआर को तो भरना ही चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए था इंडिया में टैक्स? एनआर को नहीं भरना चाहिए था, फिर भी बोलोगे सर एनआर से तो आप टैक्स तो ले रहे हो ना, मैं तो टैक्स ले रहा हूँ ना एनआर से, राइट, एनआर से टैक्स तो ले ही रहा हूं मैं, कैन यू सी दिस? जब तू एनआर है तो अपने यहां पे पेड़ लगाना, मेरे यहां पे क्यों लगा रहा है? तूने यहां पे पेड़ लगाया, यहां से आम तुझे चाहिए, इंडिया के आम चाहिए, तो इंडिया में टैक्स तो भरना पड़ेगा, ये कहां अक्रू कहां हो रहा है तेरा इनकम? तू एनआर है ना, हम तुझसे तभी टैक्स मांग रहे जब तेरा इनकम अक्रू इन इंडिया हो रहा है, रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया हो रहा है, तो ये टैक्स मांग रहे। अगर तू इंडिया से कमाएगा ही नहीं, तेरा इनकम फॉरेन में अक्रू हो रहा है, फॉरेन में रिसीव्ड हो रहा है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, मत भर टैक्स। फॉरेन इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं ले रहे, हम कौन से इनकम के ऊपर टैक्स ले रहे हैं? हम इंडियन गवर्नमेंट, हमारा हक तो बनता है ना, हमारे यहाँ पे जो झाड़ लगे उसके ऊपर टैक्स लगे, भले मालिक ओआर हो, एनओआर हो या एनआर हो, मालिक यहाँ का ही हो, कभी कभी यहाँ आता हो, यहाँ कभी यहाँ आता ही नहीं हो, झाड़ तो यही है, समझ रहा है? इसलिए आपको मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक चीज बिल्कुल समझो, इफ लैंड इज अ सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम, इफ अ ट्री इज अ सोर्स फ्रूट इज अ इनकम, इन अ सेम मैनर इफ अ एम्प्लॉयमेंट इज अ सोर्स देन सैलरी इज अ इनकम, इफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज अ सोर्स देन रेंट इज अ इनकम, इफ अ बिजनेस इज अ सोर्स देन प्रॉफिट इज अ इनकम, if a equity share is a source then dividend is a income, if a debenture is a source then interest is a income, if a bank account is a source then interest is a income, if these sources are located in India, if these sources are located in India then that income has to be an Indian income irrespective of its place of receipt, whether that place of receipt located in India or whether it locates outside India, it is by default Indian income because all sources were located in India and that was income accrued in India. But if these sources are located outside India, then it cannot be considered as Indian income because it is getting accrued outside India, but if you receive this income directly in India, if you receive this income directly in India, then only it will be called as Indian income, otherwise it is
foreign income. So which income is the Indian income? Income accrues in India, income received in India, but which is not Indian income? Foreign income. Income accrue outside India, received outside India. इतनी तो याद रख सके? Yes, good. ठीक है? Foreign income की बात होती है. Foreign income आज नहीं पढ़ा था. थोड़ा detail में जाना पड़ेगा foreign income के. लेकिन यहाँ पे कौन tax भरता है? उतना लिख देता हूँ. OR NOR और यहाँ पे खाली OR टैक्स भरता है. क्यों उसकी बात बाद बात करते हैं. ठीक है, आज नहीं करते. आज का टाइम मेरा खत्म हो रहा है. सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन की डेफिनेशन बता देता हूँ फिर से. पर्सन मतलब इंडिविजुअल. HUF इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल्स. हम सब कौन है? मेल फीमेल वगैरह सब इंडिविजुअल्स. लिविंग ह्यूमन बींग. ठीक है. दूसरा होता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. पढ़ा होगा OC वगैरह में. HUF ठीक है. तीसरा जो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है. तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को पहले लेता हूं. तो हम मुस्लिम फैमिली है. ठीक है, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है. मुस्लिम फैमिली है, दो भाई है, पप्पा है, तीन चार जन मिलकर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं. फैमिली बिजनेस ही कर रहे, सोनार का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस कर रहे, कुछ भी कर रहे. ठीक है, अब उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? अकेला प्रोप्राइटरशिप तो नहीं है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी नहीं साइन किया है, कंपनी भी नहीं है, लेकिन तीन चार लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलना तो गलत है क्योंकि वो हिंदू नहीं है. तो मुस्लिम फैमिली के लिए क्या बोलेंगे? क्या डू वी हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली? नहीं. तो उस बिजनेस को हम यहां पे इनकम टैक्स में बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. वो एक बॉडी है जहां पे चार पांच इंडिविजुअल मिलके काम कर रहे हैं. इट कैन बी रजिस्टर्ड, इट कैन बी अनरजिस्टर्ड. बिजनेस घर वाली कर रहे तो रजिस्टर्ड क्यों करे? बाहर के पार्टनर आते तो डीड वगैरह बनाना जरूरी होता है. घर के लोग ही काम करे, भाई वगैरह सब मिलके काम करे तो कोई जरूरत नहीं है. इतना समझ में आ रहा है? सर आपके तीन चार पांच चार लोगों ने जो बिजनेस चालू किया है, पांच फ्रेंड है सर, हम फैमिली मेंबर्स नहीं है. एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है. ठीक है, चार पांच लोग मिलकर बिजनेस कर रहे. ठीक है, इसको तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बोलेंगे. और पार्टनरशिप हम एग्रीमेंट भी नहीं हमारा और कंपनी भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. सर हमारे इसमें ना एक पार्टनर जो है ना हमारा बिजनेस का पार्टनर मतलब जो मेंबर है वो कंपनी है. क्या कंपनी मेंबर बन सकता है? आपने इतना तो पढ़ा होगा ना, कंपनी पार्टनर सब कर सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, सब कर सकते सकता है. तो कंपनी मेंबर भी बन सकता है. तो इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अभी नहीं बोल सकता हमें. है तो एक बॉडी लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकता क्योंकि एक नॉन इंडिविजुअल भी उसके अंदर है. राइट, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इंडिविजुअल और कुछ पर्सन साथ में आके उन्होंने एसोसिएशन बनाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. अब BOI AOP जो होता है ना, ये रजिस्टर्ड भी होता है और अनरजिस्टर्ड भी होता है. क्लियर है? रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी. अगर उसको मैंने पार्टनरशिप बना दिया, डीड बना दिया इन पांच लोगों का, तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा. LLP एक्ट में अगर रजिस्टर्ड कर दिया तो LLP बन जाएगा. कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कर दिया, इनको शेयर होल्डर बना दिया, कंपनी बन जाएगा. समझ में आ रहा है? तो इस बिजनेस फॉर्म का ही वेरिएशन होते जाता है. इंडिविजुअल से चालू करना होता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, LLP, फर्म इंक्लूड्स LLP, ठीक है, कंपनी, और उसके बाद फिर आपकी गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है, लोकल अथॉरिटीज, वो हो जाती है मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुणे ना, वसई विरार, ठाणे, ये सब क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लोकल अथॉरिटी, वो भी पर्सन से. और कुछ अगर नहीं कवर होता तो लास्ट में कवर हो जाता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. तो सात पर्सन होते हैं हमारे. ठीक है, प्रीवियस ईयर को कौन सा सेक्शन में लिखा गया है? 3. कल बात करेंगे. असेस मतलब जो हम करने जा रहे हैं वो असेस ही होता है. ठीक है, असेस कौन से ईयर में होता है? असेसमेंट ईयर. और टैक्स रेट हम दो लॉ से बोरो करते हैं, एनुअल फिनांस एक्ट से नॉर्मल रेट और इनकम टैक्स एक्ट से स्पेशल रेट. मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है आपको, डिटेल में आज खाली मैंने एक ही सेक्शन के ऊपर बात की है, 1. सेक्शन 1 फिर नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया सेक्शन 1. 2 में का तो कुछ भी नहीं उठाया मैंने, 3 के बारे में भी कुछ नहीं बोला, 4 मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया है, पूरा बोल दिया, लेकिन अभी 4 का हर एक वर्ड एक्सप्लेन करना है, उसमें का एक वर्ड का छोटा सा पार्ट बोल दिया मैंने. क्लियर है? ये छोटा सा पार्ट है इसके आगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, इससे लॉ बना है, ये कोर है, फिर उसके एक एक चैप्टर्स है छोटे 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 जो पढ़ेंगे हम. कोर पढ़ रहे हैं हम लोग. कोर को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ऐसा ना कि आप पूरा एक ही टाइम पे पढ़ रहे हो. कोर पढ़ रहे हो मतलब पूरा लॉ एक लेक्चर में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर हेवी होंगे, उसके बाद एक बार वंस यू आर यूज्ड टू इट कि हाँ यार सर पता है रिसीव्ड इन इंडिया होता है, हाँ सर पता है अक्रूड इन इंडिया होता है, हाँ सोर्स होता है, इनकम होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे वर्ड्स. अभी क्या मैंने बोला ना, बहुत
बेसिक हो आप, मतलब टोटली न्यू हो इस इन्वायरमेंट को, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एनी सेक्शन. और कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, आपको तो लॉ पढ़ा रहा हूँ वो भी बताना पड़ रहा है मुझे. मतलब इनकम टैक्स पढ़ाना एक अलग से चैलेंज है, और अब सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है, मुझे वो भी तो बताना है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ो. ठीक है, बाकी लॉ का फैकल्टी लॉ भी पढ़ाएगा, अपने को लॉ नहीं आता भाई, लॉ तो साइको लोगों के लिए रिजर्व है. ठीक है चलो. हाँ चीज़ बंद कर दो.